गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत। आज हम देखिए कहाँ जा रहे हैं, कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अभी डिसाइड करते हैं कहाँ निकलना है। अभी ब्रेकफास्ट किया है और रेडी हुआ हूँ चलने के लिए। जा रहा हूँ मेट्रो से पकड़ूंगा, मेट्रो से इलेक्ट्रिक ट्रेन लूँगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूँगा। कुछ ही दिन हूँ यहाँ पे, तो अब कुछ काफ़ी ढेर सारी चीज़ें देखनी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम मेट्रो नेक्रासोवा पे आ गए हैं। यहाँ से निज़्नेगोरोडस्काया जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रिक ट्रेन पकड़ के वीडीएनएक जाएंगे। एग्जीबिशन सेंटर है यहाँ का। देखिए मेट्रो आ गए। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रितेश परिहार, आप सब मुझसे जुड़ चुके होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं मॉस्को आ गया और मॉस्को में मैं निज़्नेगोरोडस्काया से इलेक्ट्रिक ट्रेन पकड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं वीडीएनखा जा रहा हूँ। बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है यहाँ का। और बीच में देखिए अगर और कहीं रुका तो वहाँ चलेंगे, तो बने रहिए। और सभी का शुक्रगुजार रहूँगा, आप लोग अगले कुछ देर तक मुझसे जो जुड़े रहेंगे। तो देखिए ये ट्रेन मेरी तेज़ी से दौड़ती हुई इलेक्ट्रिक ट्रेन, और कुछ ही देर में मैं पहुंचूंगा। अब हम इज़माइलोवा क्रेमलिन जा रहे हैं। उसके लिए हमने निज़्नेगोरोडस्काया से इलेक्ट्रिक ट्रेन ली और इज़माइलोवा स्टेशन पर उतर गए। वहां से थोड़ी सी दूर पे पैदल डिस्टेंस पे ये सेंटर है। ये कल्चरल और एग्जीबिशन सेंटर है। यहाँ पे बहुत ढेर सारे म्यूजियम्स हैं। वहाँ पहुँचूँगा तो और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में। फाइनली हम इज़माइलोवा क्रेमलिन में आ गए। इट इज़ अ एंटरटेनमेंट, बिजनेस एंड कमर्शियल सेंटर ऑफ मॉस्को, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉस्को। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1998 से 2007 के बीच, और यहाँ पे मोस्टली ये वुडन स्ट्रक्चर्स हैं। और यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर्स और म्यूज़ियम 7 हैं ऑल टुगेदर। तो 7 म्यूज़ियम हैं यहाँ पे, और 7 टोटल 7 म्यूज़ियम्स और एग्जीबिशन सेंटर्स। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये इज़माइलोवा क्रेमलिन की देखिए डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। ये एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, कलरफुल है, वुडन है। स्पेशली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वुडन है या कुछ स्टोन्स के हैं। तो ये वुडन स्ट्रक्चर है। ये देखिए स्टोन का है, 2003 में शायद कंप्लीट हुआ है वो बिल्डिंग। ये एक अलग वुडन स्ट्रक्चर। और देखिए ये एक ओल्ड क्राम निकोलिया ना, ये चर्च है निकोलाई का, सेंट निकोलाई चर्च। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स फेयरी टेल कॉम्प्लेक्स जैसा है। जैसा अमेरिका का डिज्नीलैंड है, उसी तरीके का ये मॉस्को का सोच लीजिए डिज्नीलैंड है। यहाँ पे कुछ म्यूजियम्स हैं, वोदका का म्यूजियम है, ब्रेड का म्यूजियम है, कुछ और म्यूजियम्स हैं। लोग आते हैं, एंटरटेन करते हैं, कैफेटेरिया अच्छा लगता है। देखिए एक म्यूजियम है, मूजिया देदुश की शेरो शेरदाक। बिल्डिंग्स अच्छी हैं, मॉडर्न है। ये ओल्ड पुराने जमाने का टेलीफोन बूथ देखिए, पुराना टेलीफोन रखा हुआ है। म्यूजियम ऑफ वोदका देखिए, काफी कुछ है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ जॉय की तरफ से है। ये देखिए एक वुडन स्ट्रक्चर है, इस पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। सेंट निकोलाई चर्च, काफ़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। स्पेशली ये इंटरटेनमेंट सेंटर है ना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है। पूरी दुनिया कमर्शलाइज्ड हो गई है, तो कमाने के बस तरीके हैं, लोगों को कैसे आप टोपी पहना सकते हैं, ये है बस। ये देखिए नीचे के जाने की स्टेयर्स, कैफेटेरियाज, कैफेटेरिया में आप देखिए। ये नीचे उतरते हुए आप गो राउंड पे राइड करने के अलग अलग कॉस्ट हैं, तो गूगल मैंने दिए हैं। अब बस स्लो स्लो चलता है तो आप पूरे हाइट पे जाके देखेंगे आसपास का नज़ारा, इसलिए मैंने कहा जरा देखिए हाई पे जाके कैसा लगता है। हमारा मैरी गो राउंड चल दिया धीरे धीरे ऊपर, देखिए धीरे धीरे हमारा केबिन मैरी गो राउंड में ऊपर बढ़ता हुआ। ये इज़माइलोवा क्रेमलिन की इमारतें बड़ी खूबसूरत, कुछ लोग खड़े हैं। और ये देखिए ऊपर से धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा आपको। ये देखिए इन्होंने एक गाँव का सेम्प्रेशन बना रखा है, एक वो गाड़ी और उस पर घास फूस रखा है, पुआल रखा हुआ है, वो गुलाबी रंग का पेड़। देखिए हम अभी इतनी ऊँचाई पे आ गए हैं ज़मीन से, धीरे धीरे स्लोली स्लोली चल रहा है। धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए ये इमारतें जो हैं धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही हैं। जब नीचे हम खड़े थे तो ये बहुत विशालकाय लग रही थी और हम छोटे थे। अब हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और ये छोटी होती चली जा रही हैं। नीचे कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है ना। देखिए एकदम कितनी ऊंचाई पे धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। अभी हम नीचे उस जगह पे थे और अब हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हुए। मेरा अभी तक मैरीगो राउंड का कॉन्सेप्ट है इंडिया में मैंने देखा बड़ी तेज तेज चलता है, ये आराम से, ये खाली आपको व्यू देखना है, एरियल व्यू देखना है, उसके लिए है ये। स्लोली स्लोली आ रहे हैं, धीरे धीरे हम टुवर्ड्स द टॉप पहुंचने वाले हैं। देखिए वहाँ आपको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा होगा। अब हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, हम मॉस्को के इज़माइलोवा शोशे रीजन में हैं, तो आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं। नीचे देखिए ये एक ड्राइविंग स्कूल है, ये इमारतें, नीचे कोई बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ का बड़ा फेमस बाज़ार है, उसके बारे में भी एक वीडियो शूट करूँगा, बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो ये देखिए सड़क, सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियाँ, देखिए सड़क ऊंचाई पे हम आगे काफ़ी। देखिए वो नीचे बाजार जहाँ भी हम थे। सड़क ये देखिए ड्राइविंग स्कूल है, लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा होता है ड्राइविंग स्कूल है, देखिए मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार वाले प्रैक्टिस करने आए हैं। पूरा उन्होंने बना रखा है कि आपको कैसे गाड़ी चलाना है, परफेक्ट होना है। देखिए अभी तो हम टॉप पे आ गए हम लोग, वो देखिए रिवर दूर आपको दिखाई दे रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से। 400 रुपये दे के एक बार बनता है, इसको आगे देखना ना। इतनी ऊंचाई से आप जब कोई चीज देखते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। सड़क बड़ी गजब की फीलिंग हो रही है। देखिए अब हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, सबसे टॉप हाइट पे हम आ चुके हैं। और यहाँ से हम धीरे धीरे अब हमारा जो केबिन है वो नीचे जाना शुरू करेगा। देखिए कितनी ऊंचाई, अच्छी खासी। दूर वो एक नदी है और नदी पे एक वो पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पुल पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। शहर में काफ़ी हरियाली है, फॉरेस्ट काफ़ी डेवलप कर रखा है। थोड़ी सी सोसाइटी लोकेलिटी होती है और उसके बाद फिर आपको जंगल मिल जाता है, तो हरियाली बहुत है, इसीलिए मौसम बड़ा अच्छा रहता है, पोल्यूशन ज़रा भी नहीं होता है। अब हम सबसे टॉप पे आ चुके हैं और हम अब नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारा। ये इज़माइलोवा शोशे जो है, इज़माइलोवा शोशे जो एरिया है, वहाँ पे कुछ होटल्स, वो आपको पार्किंग दिखाई दे रही होगी। अच्छा खासा रश है समय इस इज़माइलोवा क्रेमलिन देखने के लिए भी काफ़ी भीड़ आई है, क्योंकि आज मौसम बड़ा खुला हुआ है, धूप अच्छी खासी खिली हुई है, मौसम बड़ा खुशनुमा है, तो काफ़ी भीड़ है। और आज वीकेंड्स भी है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। देखिए धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाते हुए और दूर आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं मॉस्को शहर की। बड़ा अद्भुत नज़ारा, हरियाली। वो देखिए नीचे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सड़क पे। एक बार फिर देख लीजिए चारों तरफ का नज़ारा, सड़कों पे दौड़ती हुई गाड़ियाँ। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाते हुए देखिए अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हुए काफी खूबसूरत नज़ारा। हम काफी ऊंचाइयों तक को गए थे, अब तो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। काफी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, हाइट कम होती चली जा रही है। पाउंड में देखिए काफी पास आना शुरू हो गया। नजदीक आते हुए कुल मिला के बहुत अच्छा लगा, तो एंजॉय किया इसको अच्छी तरीके से। तो एक बार आइए और ज़रूर क्रेमलिन इज़माइलोवा का ये जो मैरी गो राउंड है इसमें एक बार राइड करिए। 400 रुपीज़ और अप्रोक्सीमेट रूबल 400 रुपये की इक्वल हुआ, तो एक बार बनता है। तो ये मॉस्को शहर के एरियल व्यू जो इज़माइलोवा क्रेमलिन के पास था, इज़माइलोवा क्रेमलिन के पास, उसके आप भी मेरे साथ गवाह बने, आप लोगों ने भी इसका लुत्फ़ उठाया, तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आप लोगों के साथ ही इस शहर को देख रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ देखेंगे, मेरे ख्याल आप लोग को भी बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। धीरे धीरे हम नीचे आते हुए देखिए वो जो इमारत ऊपर से कितनी छोटी लग रही थी, अब धीरे धीरे वो कितनी बड़ी लगने लगी। कुछ लोग और आपको दिखाई दे रहे अंदर जाते हुए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे अभी दूसरी जगह जाना है, तो बस मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। ऑलमोस्ट हमारा टूर ख़त्म होने के, हमारा राउंड कंप्लीट होने को आ गया और अब हम लोग उतर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। यह रशियन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टूरिज्म की बिल्डिंग है। देखिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो काफ़ी बड़ी इमारत ये भी है, काफ़ी ढेर सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं। जब कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत से लोग आते हैं। इज़माइलोवा शोशे में इस समय है, देखिए यहाँ पे लाइन से होटल्स हैं ये सब। कैफेटेरियाज हैं और फिश हॉल्स हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, किसी नए वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू वेरी मच, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलता हूँ, नए वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी नए वीडियो में फिर आप लोग से मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।